Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is January 5th, 2021 and this is our second video for today जिसमें हम आपके टॉप रेटेड स्टॉक्स का ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं. एक तो जहन में रखिएगा कि शायद हम आज हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, मोर लाइक वी हैड 40-50 सिम्बल्स. अगर उसमें हम सारों को कवर नहीं कर सके, हम उसमें हमने रैंडमली वी हैव सेलेक्टेड लाइक 20 or 25 सिम्बल्स फॉर अवर व्यूअर्स. दूसरे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वी हैव हमने टाइम कोड्स एंड टाइम फ्रेम्स ऐड कर लिए हैं अपनी वीडियोस में. मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ और वो इस तरह है कि आप जो स्क्रॉल बार है यूट्यूब की, उस पर अगर आप जाएंगे तो आप होवर करेंगे तो आपको विद आप उस पर जा सकते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे आपका रिस्पेक्टिव सिंबल है, आप उसको क्लिक करके उस सिंबल का आप टेक्निकल एनालिसिस या स्पेसिफिक किसी भी सिंबल का किसी भी पार्ट पे जाके आप उसको देख सकते हैं, इंस्टेंट कि आप पूरी 30 to 40 मिनट्स की आपको वीडियो देखनी पड़ी. एक तो ये जहन में रखिए, उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन पे भी आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे. आज के हम टॉप ट्रेडिंग स्टॉक्स को देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम नेटवर्क बड़े से बाद आए, इट वाज इन ग्रीन टुडे, 68.8 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ. उसके बाद पाक रिफाइनरी 58.17 मिलियन शेयर्स, ऑलमोस्ट अपर कैप एक्चुअली इट वॉज अप. और उसके बाद फिर TRG 31 मिलियन शेयर्स, पेल इलेक्ट्रॉन 26, पाक इलेक्ट्रॉन आई एम सॉरी कैपको 25.9 मिलियन शेयर्स, JSCL 16.59, एसकेट 9 13.6, अपको 13.6 मिलियन शेयर्स, BTC 12.35 एंड ASL 11.19 मिलियन शेयर्स. हम पहले अपने टॉप फाइव इनको हम अगर देख लें तो हमारे पास सबसे पहले हम नेटवर्क है. देखिए वेरी स्पेकुलेटिव आइटम, हम नेटवर्क के फंडामेंटल्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, कंपनी इज इन लॉस और मुझे नहीं पता कि इसने अपना लॉस पर शेयर भी इम्प्रूव किया हो. इसके पीछे एक शायद जो इसके स्टॉक की इतने इसमें मैसिवली जो चेंज देखा गया, 2.5 रुपये का स्टॉक होता था एंड इट वेंट अप टू 15, 16, 17 रुपये, उसके पीछे रीज़न ये था कि एक बायर का फंड था, आई डोंट नो जिसके आई एम सॉरी कि मैं रेफर कुछ गलत कर दूं, कोई किंग्सवे नाम से कोई फंड था जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट की एंड दे काइंड ऑफ पंप दिस स्टॉक अप और जो भी हो गया. इस पर हम अब टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं. अगर आज देखिए तो आज का वॉल्यूम बड़ा मैसिव है, आज का बहुत मैसिव वॉल्यूम है. मैं इसको अगर मैं इसको देखूं तो आपकी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को बड़ा शार्पली फिर ऊपर की तरफ कट भी कर रही है, आपकी लैगिंग स्पैन भी ऊपर जाते हुए नज़र आ रही है हमें. मगर ये अभी क्लियरली इट्स नॉट बुलिश, एक तो ये जहन में रखिए. हमें आगे के सेशन इंडिकेट करेंगे कि ये इतना स्ट्रांगली इसका बुलिश सेशन है कि नहीं, ये बुलिश ट्रेंड इसका है कि नहीं. जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 53-54, स्टिल इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड. मेरे ख्याल में ये अपने 35 की वैल्यू पे था. मैं अगर उससे मुझसे कोई पहले पूछ रहा था तो मैं इसको बेरिश इंडिकेट कर रहा था, मैं अभी भी इसको बेरिश इंडिकेट करूंगा. मैं इस किस्म के स्टॉक्स है आई विल आस्क यू, अगर मुझसे वैसे पूछे तो आई विल आस्क स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक, दिस इज वेरी टोटली इस पर एक गेम हो रही है, सट्टा आइटम है, स्पेकुलेटिव आइटम है. यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड से निकल के ऊपर जा रहा है और इंडिकेशन अपवर्ड चेंज की कर रहा है. आपको शायद इसमें कल का भी सेशन ग्रीन मिल जाए क्योंकि ये अगर ऊपर जा रहा तो अभी तक अपने ओवर बॉट पे नहीं पहुंचा. मगर मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी स्ट्रांग है ये अपवर्ड मूवमेंट, ये आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रही. सो आई विल स्टिल आस्क यू टू स्टे अवे. इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कर लूँ, इसमें 5 डे चार्ट देखूँ तो 5 डे इज बुलिश कि हमें ये बुलिश नज़र आ रहा है. मगर वहाँ पे भी देखिए तो अपने 5 डे पे भी ये 38 के RSI पे है स्टॉक हैस्टिक, वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है 5 डे पे. तो यही है कि मैं आपसे इसमें अभी भी मैं इसमें आपको आई वुड कि मैं आपको डिस्पाइट स्टॉक हैस्टिक अपवर्ड दिखा रहा है, इचिमोको भी डिपेक्ट कर रहा है कि मेरे ख्याल में आज का वॉल्यूम भी बड़ा स्ट्रांग था. शायद आप इसमें ग्रीन सेशन देख लें बट आई वोंट फेल फॉर दिस स्टॉक अगर आप मुझसे पूछिए, बी केयरफुल. दूसरी तरफ आप PRL को देख लें तो PRL इन इट्स बुलिश जोन, क्लियरली अपने बुलिश जोन में है, ऊपर आपको जाता हुआ इंडिकेट कर रहा है. आज का जो आगे क्लाउड है वो भी ग्रीन फॉर्म हुआ हुआ है. शायद हमने पिछले दिनों भी इसका जब टेक्निकल एनालिसिस किया था तो हमने आपको यही इंडिकेट किया था. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 64, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसके पास काफ़ी मार्जिन है ऊपर जाने का, क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि हमने इसकी हाइस्ट RSI की वैल्यू 83 देखी है पिछले एक साल में. स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट पर पहुंच गया और इसके पास फिर भी वो भी इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर आप इसमें एक और ग्रीन सेशन देखेंगे PRL में. TRG को देख लिए, दिस इज ऑल्सो इन ग्रीन जोन, बुलिश जोन, क्लियरली इन बुलिश जोन. इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 66,
स्टॉक हैस्टिक यानी कि उसके पास जो रिसेंट उसने अपना हाई दिखाया है, RSI ने 79 दिखाया है, जा सकता है इसके पास काफी क्वेश्चन है। जो स्टॉक हैस्टिक वे इंडिकेट अपवर्ड अपवर्ड ही कर रहा है कि आप इसमें अपवर्ड चेंज फर्दर और आप इसमें देख लेंगे। आज की इसने हमें क्लोजिंग जो दी है TRG ने, डेट वॉज 87.77। जहन में रखिए ये अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है ये शेयर। इस पे ट्रेड करते वक्त ख्याल रखिएगा डिस्पाइट फंडामेंटल थोड़े से उसके अच्छे भी हैं, फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल। अगर मैं आपको उसका 3 साल का भी चार्ट दिखाऊं तो दिस इज ऑन इट्स हिस्टोरिकल हाई। अब इसका मैं, मेरे पास जितने सालों की भी इसकी प्राइस हिस्ट्री है बैक फ्रॉम 2005, इस प्राइस लेवल पे हमने TRG को कभी नहीं देखा। नेक्स्ट इज पेल, सॉरी पेल पे एलिगेटर नहीं होना चाहिए जी, इचिमोको। इट्स क्लियरली इन इट्स बुलिश जोन, ये अपने बुलिश जोन में है। आगे एक माइनस और ग्रीन क्लाउड भी फॉर्म हो रहा है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग क्या है हमारी जो ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। मगर इसका जो RSI है वो देखिए तो 71 की वैल्यू पे पहुंच गया है। स्टॉक हैस्टिक भी अब बॉट पे है मगर अभी भी अपवर्ड इंडिकेट कर रहा है। पाक इलेक्ट्रॉन ने आज की हमें क्लोजिंग दी 41.81 की पेल ने। ये जहन में रखिए कि ये भी अपने साल के हाईएस्ट पे है। मैं इसका 3 साल का भी आपको चार्ट इंडिकेट करना चाहूँगा। बैक इन January 18 ये इसने अपने हमें हाई दिखाया हुआ है 63 रुपीज़ का। और ये वही टाइम है January 18 का जब हमने लास्ट टाइम अपने इंडेक्स को 46-47 थाउजेंड पे देखा था। हमें ये वही टाइम है जहन में रखिए। तो मे बी शायद ये उस स्टेज, अगर इंडेक्स 46-47 तक जाता तो फर्दर ऊपर जा सके या ना जा सके आई कैन नॉट से। मगर अभी तक ये अपने आपको बुलिश इंडिकेट कर रहा है। मगर ऑन द सेम साइड ये अपने अवर बॉट पे भी है। RSI का हाईएस्ट जो उसने अपने पिछले साल में देखा है 84 में देखा है, 70 से 84। इट हैज काइंड ऑफ क्वेश्चन कि अगर ये अपनी बुलिश रन को फर्दर कैरी करता है इट कैन गो अब ऊपर जा सकता है। काइंडली नोट नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे दूंगा। कैपको क्लियरली बुलिश फंडामेंटल्स भी हैं पीछे, इफ यू कैन गेट इन टू दिस स्टॉक सो गुड। मगर अब ये है कि यहाँ पे इसको करेक्शन मिलनी चाहिए टेक्निकली अगर आप देखिए, और ये इंडिकेट कर रहा है मगर इसके पीछे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। आज का वॉल्यूम भी देखिए तो कितना प्रोमिनेंट है। RSI इज द वैल्यू ऑफ 79, जो हमने हाईएस्ट RSI देखा है इसका पिछले एक साल में वो 85 का देखा है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीमली अवर बॉट पे पहुंच चुका है 1 ईयर के। मैं यहाँ पे आपका इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अब आपको पिछले 3 साल में हाईएस्ट RSI बताऊं तो डैट इज आई एम सॉरी डैट इज द वैल्यू ऑफ 82। आज मैंने आपको इसका 79.80 बताया है। और स्टॉक हैस्टिक भी अपने 3 साल के हाईएस्ट पे ही है। अब 3 साल की जो हाईएस्ट प्राइस है दैट इज 64, 66 इनफैक्ट 66। और आज की हमारे पास जो इसकी क्लोजिंग है दैट इज 33.78। आपको फंडामेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके साथ इसकी एक और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे कैपको का अगर आपको इसके देखिए तो सेक्टर PE इसकी जो सेक्टर इसके पूरा पावर पावर जनरेशन सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग है 5.49 है और ये प्राइस टू अर्निंग इसकी 1.20 है। इट मीन्स एज पर इट्स अर्निंग पर शेयर, काइंडली नोट अर्निंग पर शेयर नॉट डिविडेंड, एज पर इट्स अर्निंग पर शेयर ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड है। 1.20 का ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट PE रेशियोज इन अवर स्टॉक मार्केट राइट नाउ। अब बात इसमें फिर आ जाती है कि इस अर्निंग पर शेयर में ये डिविडेंड दे कितना रहा है वो अलग बात हो गई। मैं अगर इसकी आपके साथ डिविडेंड यील्ड भी आपके साथ शेयर करूं तो डिविडेंड यील्ड इज 11.38%। अगेन दैट्स अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड, इट्स अ वेरी गुड डिविडेंड यील्ड। तो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। मगर इसके बारे में नॉर्म ये है कि कैप को बड़ा स्लो मूव करता है, मगर द राइट नाउ द न्यूज इट हैज इट सीम्स लाइक इसमें आप काफी अपर कैप्स देखेंगे। फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है और टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल पे अपने अगर 3 साल में देखें तो बहुत अच्छा है। मगर अभी अब बॉट पे पहुंचा हुआ है, इसको किसी न कोई सेशंस में इसके फ्रीज टूटने चाहिए, इसको थोड़ी सी करेक्शन मिलनी चाहिए। मगर मैं अगर आपसे यहाँ पे क्लियरली बात करूँ तो दिस इज इन इट्स बुलिश जोन, वो अपने बुलिश जोन में जा चुका है। यहाँ पे मैं आपको बड़ा क्लियरली जाता हुआ नजर आ रहा है और ये आगे अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड ड्राइव हमें इंडिकेट कर रहा है। अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन प्लीज नोट। हम जी अब अपने व्यूअर्स के अगर कमेंट्स देख लें तो वही है जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इस दफ़ा हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं।
एक तो हम वीडियो बनाने में भी लेट हो गए। हमारे पास इमरान अवान साहब शल कह रहे हैं, गनी कह रहे हैं, तारिक साहब, फिर देर इज अ रिक्वेस्ट फॉर ASL, बाइको, NRSL, शजील मीर साहब ने NRSL, NML, IPL, GGL, ट्रिपोल, लॉट कैम, HTL मिल, सर सारे नहीं कर दूंगा, आई विल डू सम ऑफ देम। रिजवान इकबाल साहब FFL, अच्छा जी, हनीफ मोहतन साहब लॉट केमिकल, EPCL, SNGP एंड AKBL, सर कुछ कर सकूंगा इसमें से, SERF, ASC, अरसलान महमूद, शुजर, MAZ, SAZEW, सर SAZEW हम हर दफ़ा करते हैं, प्रॉब्ली आल स्किप इट, एंड सेम गोज फॉर क्लोवर, CLOV, TRG का कह रहे हैं, हो गया सर, पायोनियर सीमेंट, HCAR, FFBL, PSO, साजगार अगेन, PSO, फिर वकास अहमद साहब, DOL, ISL, EPCL, FCCL, शहजादे दुरानी साहब, KOSM, आगा स्टील, एनालिसिस प्लीज। आगा स्टील का हम अभी, मैं आपको बताऊँ तो हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, हमने इसकी आपको ओपनली रिकमेंडेशन भी दी हुई है, फंडामेंटल, और वो फंडामेंटल बेसिस पे है कि इसके हमें फाइनेंशियल्स, बहुत हमने अपनी एक वीडियोज में इसके फाइनेंशियल्स डिस्कस किए हुए हैं, एंड वी कंपेयर्ड विद अमरीली स्टील, काइंडली हमने उसको अमरीली स्टील के साथ कंपेयर इसलिए किया था कि अमरीली स्टील भी बहुत अच्छा स्टॉक है, मगर इसकी हमारे ख्याल में अर्निंग्स एक अमरीली स्टील से बड़ा, एक बेसिक एनालिसिस किया था, फंडामेंटल बहुत अच्छी है, तो आई थिंक इसको फंडामेंटली बड़ा अच्छा शेयर है वो, और ये आपको कैपिटल गेन दे जाएगा अगर आपने इसको IPO लिया या शुरू में उसके उस 32-33 के पास लिया। फिर उमर अली साहब, पेल, DOL, ANL और JSCL कह रहे हैं, सजाद खान, नटसोल का पूछ रहे हैं, बाइको, PPL, कैपको, SNGP, HCAR, सर्ल, HCAR, एंग्रो, FFL, साजगार और FFBL, शेल, स्पिरिट बॉम्ब्स, आपकी मैंने क्यूरी अपनी पिछली वीडियो में मैंने बिल्कुल आई एंटरटेन्ड इट, जो आप जो हमसे फंडामेंटल वो इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे आप फोरम्स और वो पूछ रहे थे, ब्लॉग्स, महमूद साहब कह रहे हैं, PRL, हैस्कॉल, PIBTL, FFL, FFL, POP, एंड वी गोना स्टार्ट अवर व्यूज रिक्वेस्ट नाउ। जी व्यूज, स्टार्टिंग विद FFBL, FFBL को अगर आप देखिए तो वो अपने बुलिश अब इंडिकेट कर रहा है, जोन में घुसा है, ब्रेकआउट उसने एक दी है, मगर आई डोंट थिंक सो वो कितनी स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक सो वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी क्लियरली ब्रेकआउट भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखिए, जब उसने अपनी ब्रेकआउट दी है तो अपने एक्सट्रीम ओवर बॉट RSI इसका पहुंचा हुआ था, डेट वॉज ऑन द वैल्यू ऑफ 72। अभी आज के रेड सेशन के बाद इट इट एडजस्टेड इट सेल्फ ऑन द वैल्यू ऑफ 69 और 70। स्टॉक हैस्टिक भी ओवर बॉट के पास पहुंचा हुआ था, और फर्दर उसने भी आपको अपने आप को फर्दर डाउन किया, और वो आपको फर्दर रेड सेशन एक और इंडिकेट कर रहा है FFBL का, कि वो फर्दर आपको दे रहा है कि आपको एक और रेड सेशन मिलेगा। प्रॉबेबली प्रॉबेबली आप FFBL में यू विल बी सीइंग फर्दर रेड सेशंस, और ये अपने इसको ओवर बॉट से फर्दर अपने आपको इन दोनों इंडिकेटर्स को निकलने की जरूरत है। हैस्कॉल को देख लीजिए, तो हैस्कॉल इज स्टिल बेरिश फॉर मी, कंफर्म साइडवेज, इसका जो RSI है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 49 इन मिडल ऑफ इट्स अवर बॉट एंड अवर सोल्ड लेवल। स्टॉक हैस्टिक भी बीच में है, मगर वो फर्दर अपवर्ड इंडिकेट तो कर रहा है कि इसने ऊपर जाना है, मगर साथ ही बड़ी एक वीक मूवमेंट आपको दे रहा है कि शायद इसमें आप फिर आप इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखें। मुझे मूव होता हुआ फिलहाल अपवर्ड नजर नहीं आ रहा है हैस्कॉल, मेरे ख्याल में ये साइडवेज ही है। साइडवेज मीन्स कि इफ यू आर होल्डिंग इट, आपके पास है तो बेचिए मत, इफ यू इसको अगर आपने नहीं, आपके पास नहीं है तो अभी खरीदने का टाइम बिल्कुल नहीं है। FFL को देख लीजिए, FFL एक अर्ली साइन दिया है इसने थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी रेड लाइन क्लाउड के अंदर फॉल कर रही है, ब्लू लाइन इज आउट, कैंडल तो आउट, लैगिंग स्पैन इज आउट। यहाँ पे आप देखिए तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक अच्छे वैल्यू पे आ चुका है 58। स्टॉक हैस्टिक भी अपने मिडिल में और ऊपर की आपको डायरेक्शन दे रहा है, तो मेरे ख्याल में FFL में आप आगे इसको ऊपर जाता हुआ देखेंगे। आज की इसने हमें क्लोजिंग 17.14 की दी है, आई थिंक सो आप इसमें वही है कि इस साल का आप अगर आप हाई देखें तो 18-19 रुपये का, और मेरे ख्याल में वहीं पर ये जाता हुआ थोड़ा सा नजर आता है 18-19 में, और उसके बाद इसमें फिर आपको करेक्शन नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर्स अपने अवर बॉट पे पहुंच जाएंगे। अगेन दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन और अ बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज नोट। बैंक ऑफ पंजाब इज क्लियरली साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 57, स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में है, मगर फर्दर आपको डाउनवर्ड और रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है। सुई नॉर्थ इज स्टिल बेरिश एंड
कंफर्म साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 63 पे पहुंचा था, मगर अभी फिर आज के रेट सेशन के बाद इज ऑन वैल्यू ऑफ 58। स्टॉक हैस्टिक अपने वो बॉट पे पहुंचा था और वापस आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको ओवर रेट सेशन मिलेंगे और ये वापस आ रहा होगा। सीम लाइक इसमें ओवर रेट सेशन देखेंगे और इसमें आप वापसी देख रहे होंगे। आज की इसकी क्लोजिंग 47.81 की है। आई थिंक सो कि इसकी जो अभी जो हमने देखी है कि इसकी सपोर्ट इज अराउंड 43-42 रुपीज, यहाँ पे इन्वेस्टर इसको सपोर्ट दे रहा है। और लेट्स सी कि अगर इसने नीचे आना तो यहीं पे ये शायद इसका अपर जोन बन रहा हो, एक सर्कल बन रहा हो। दिस इज़ व्हाट इट टेक्निकली शोज। एसएनजीपी में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं जी। व्यूज नेक्स्ट इज एंग्रो। बड़ा अच्छा, बहुत वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन स्टॉक मार्केट फंडामेंटली, मगर इस पर सिर्फ टेक्निकल को देखना ही इस पर बड़ी ज्यादा की बात। एक तो ध्यान में रखिए, टेक्निकली ये साइडवेज इंडिकेट कर रहा है फिलहाल, कोई आपको डायरेक्शन हमें आइदर बेरिश और बुलिश इंडिकेट नहीं कर रहा क्लियरली। आज की इसकी क्लोजिंग है 308.58 की। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज 49 की वैल्यू पे है और स्टॉक हैस्टिक इसका अपने तकरीबन ओवर सोल्ड के पास जाता हुआ नजर आ रहा है और आपको, मगर अभी आपको फर्दर रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है कि आप इसमें एक और रेड सेशन देखेंगे और ये अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचेगा और वहां पे टेक्निकली शायद इसमें एंट्री बन जाए। मैंने आपको बताया इसकी क्लोजिंग आज की 308.58 की और इसी साल में जो हमने इसका हाईएस्ट देखा है डेट वॉज 363 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं इसका आपके साथ 3 साल का भी चार्ट आपके साथ शेयर कर लूँ एंग्रो का, तो हाईएस्ट हमने 3 साल में 371 देखा है, आई थिंक सो जी 371। और इसका जो हमने लोएस्ट देखा है डेट वॉज 225, डेट वॉज। और इसकी मैं ऑल टाइम हिस्ट्री जो मेरे पास आ रही है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रहा हूँ, दैट मेरे पास 2005 से आ रही है। तो हाईएस्ट इसका जो हमने, यही है कि हमने 300 350 के पास जो लेवल है हमने वही इसका हाईएस्ट देखा है। एंग्रो अगेन अ वेरी गुड शेयर, इसके फंडामेंटल्स भी जरूर देखिए, टेक्निकली सिर्फ इसको देखना इज नॉट राइट। यहाँ पे शायद इस पर एंट्री बन जाए स्टॉक हैस्टिक, अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। शायद कुछ दिनों में इसमें और रेड सेशंस मिलने तो आपका स्टॉक हैस्टिक इंडिकेट कर रहा है कि अपने ओवरसोल्ड पे जाएगा, जहाँ पे आप एंट्री इसमें बन सकती है। पीएसओ को देख लीजिए, इट्स इन बुलिश जोन, क्लियरली इन बुलिश जोन, मगर वही बात है, आपने आज का रेड सेशन और जो कल का इसमें रेड सेशन देखा है वो उसकी वजह है, सॉरी कल का तो रेड सेशन नहीं था, कल इट वाज अ ग्रीन सेशन। आज का जो रेड सेशन देखा है वो इसी वजह से कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो अपनी 82 पे पहुंच गया था, हॉर्नेट्स हाईएस्ट आरएसआई इस साल का। आज उसका आरएसआई आके 76 पे सेटल हुआ है। यहाँ पे भी आप देखिए तो आपके स्टॉक हैस्टिक भी हाईएस्ट था, शायद वजह इस पर क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको दी जा रही हो, तो मगर मैं आपको इसका टेक्निकली ये कहूँगा कि अपने हाईएस्ट आरएसआई पे पहुंच गया था इसको। यहाँ पे कुछ अरसा आपको इसी किस्म के सेशन देने की ज़रूरत है। अगर आप देखिए तो इट फेल बाय 1.59% टुडे। इसी किस्म की अगर ये हमें रेंज बाउंड सेशन, फ्लैट सेशन हमें ये इसी प्राइस फ्लैट क्लोजिंग हमें कुछ दिनों की दे तो इसका आरएसआई एडजस्ट होता है, जो फर्दर इसकी एक बुलिश ट्रेंड को फिर हमें फर्दर लेके जाने में इस एक अच्छा वो रीज़न बनेगा। मैं आपको इसका 3 साल का चार्ट आपके साथ शेयर करूं तो जैसे कि मैंने बताया आज जिसने हमें क्लोजिंग दी है 244 की, हमने जो 3 साल में इसका हाईएस्ट देखा है वो है 345 आई गेस 345, और ये 2018 के मैं आपको इसकी हाईएस्ट प्राइस बता रहा हूँ, सेम पीरियड जब हमारा इंडेक्स 46-47,000 पे जाके टच हुआ था। पीएसओ अगेन बड़ा अच्छा शेयर है, अगर ये रिकवरी हो रही है, दिस इज एक तो ये ध्यान में रखिए पीएसओ उन कंपनीज में से भी है जिसको वो जो सर्कुलर डेट के बेनिफिशियरी बनता है, अगर सर्कुलर डेट सेटल होने जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। DOL देख लीजिए, डस्कॉन ऑक्सीजन ऑक्सम लिमिटेड, आई एम सॉरी, साइडवेज, इट्स डिपिक्टिंग इटसेल्फ एज साइडवेज। आज की इसकी क्लोजिंग इज 36.74, हाईएस्ट हमें इसी साल में इसने हमें दिखाया है दैट इज 49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ 60, क्लोजर टू इट्स अवर बॉट, मगर अपने अवर बॉट पे नहीं है। हाईएस्ट हमने इसकी आरएसआई की वैल्यू 87 देखी है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट के पास है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर है, मगर यहाँ पे अगर आप देखिए तो इट्स इंडिकेटिंग कि आप अगला भी सेशन इसका ग्रीन देखेंगे,
इट्स इंडिकेटिंग कि शायद इसमें प्राइस आप और अपवर्ड चेंज देखेंगे, मगर इचिमोको अभी आपको कोई इंडिकेट नहीं कर रहा कि इसमें कोई बुलिश चेंज आ रही है या अपवर्ड चेंज आ रही है। ISL इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड इज क्लियरली बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी इसका एक अच्छी पोजीशन पे आया हुआ है, डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 60। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड को टच करके वापसी की तैयारी कर रहा है, नेक्स्ट सेशन यू कुड सी क्लियरली सी एज बुलिश। सीम्स लाइक कि जो जो इसका अपने ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ था, उन्होंने अपनी एडजस्टमेंट ले ली है जितनी इसने लेनी थी, जहां तक ले सकता था। यह फर्दर अपनी शायद अपनी बुलिश अपवर्ड मूवमेंट कैरी करेगा ISL यहाँ पे इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड। इसका जो आज की क्लोजिंग है मैं आपके साथ शेयर करूँ, डैट इज 91.10, डैट इज इस साल का हाइस्ट है। मैं 3 साल का आपके साथ चार्ट शेयर करूँ तो इसने जो हमें हाइस्ट दिया हुआ है वो है 126 पिछले 3 सालों में, और डैट वॉज इन 2018। उसके बाद आप EPCL देख लीजिए, EPCL की आज हमारे पास क्लोजिंग है 47.10। इसका है तो बुलिश जोन में मगर इतना स्ट्रांगली नहीं है, लगता है कि ये अपने वो करेक्शंस ले रहा है। EPCL का अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो 50 की वैल्यू पे है, अपना हाई ऑफ 76 से वापस आया है, इसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को काफ़ी एडजस्ट कर लिया है, एक तो ये जहन में रखिए। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया है। अगर अब यहाँ पे आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो अभी भी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन एंड इंडिकेटिंग फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट। इचिमोको इसका अभी तक बुलिश है, तो मे बी इट सीम्स लाइक इसका अपवर्ड ट्रेंड स्ट्रांग है और ये दोनों इंडिकेटर्स अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जिस दिन आपकी ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस करके वापस मुड़ती है, इट सीम्स लाइक आपका इसका अपवर्ड ट्रेंड बन जाएगा, या ये भी अभी अपने ओवरसोल्ड के पास है तो इट कुड बी अ गुड एंट्री पॉइंट। दिस अगेन नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, दिस इज बट बेसिक चार्ट एनालिसिस आपके लिए कर रहा हूँ। आज की इसने हमें क्लोजिंग दी है 47, हाईएस्ट जो इसी साल में हमने देखा है डेट इज 50। ये 1 ईयर का चार्ट मैं आप जी डेट इज 50, और मैं आपके साथ इसका 3 साल का भी चार्ट शेयर करूँ तो दी अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। मैं इसके साथ ऑल टाइम हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँ तो ये अपनी ऑल टाइम हिस्ट्री में भी एंग्रो EPCL अपने हाईएस्ट पे है। आई थिंक इसमें फर्दर एडजस्टमेंट का वेट कीजिए, इफ यू आर होल्डिंग इट तो मे बी होल्ड इट एंड लुक फॉर अ जिसमें आप या प्रॉफिट टेकिंग। अभी तो मैं आपसे नहीं कहूँगा, शायद आपको इसमें फर्दर अच्छी और प्राइस मिल जाए, मगर अभी एंट्री में आपको शायद ना बनती हो क्योंकि फर्दर आप इसमें देख लीजिए कि कितनी करेक्शन होनी है, ये इन वैल्यूज ने कितना एडजस्ट होना है। ये अभी 4 और एडजस्ट होती हुई नजर आ रही हैं दोनों शायद वैल्यूज जी। नेक्स्ट इज FCCL फूजी सीमेंट कंपनी, दिस इज साइडवेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू 52 एंड स्टॉक हैस्टिक भी अपना मिडिल में है और इंडिकेट कर रहा है कि अगला सेशन आपको शायद आगे ग्रीन मिल जाए। ध्यान में रखिए कि अपने 1 साल के भी अपने ये अपने हायर साइड पे ही है, इसने हमें आज क्लोजिंग दी है 21.34 की। इसका आप 3 साल का मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूं तो हाईएस्ट इन लास्ट 3 ईयर्स जो हमने देखा वो 32 रुपये का था, अराउंड 32 रुपीज़ का। वही है कि सीमेंट सेक्टर को बूस्ट तो काफ़ी मिला हुआ है, मगर मुझे नहीं पता कि फौजी सीमेंट के फंडामेंटल्स को कितना बेनिफिट हो रहा है, उसमें वो किस तरह इम्प्रूव हो रहे हैं। इचिमोको इस साइडवेज, स्टॉक हैस्टिक इसकी फर्दर एक इंडिकेशन दे रहा है कि आपको शायद अगला सेशन अपवर्ड या इसको आप ऊपर मूव होता हुआ देखें शायद। KOSM देख लीजिए जी, KOSM इसने आज हमें क्लोजिंग दी है 3.87 की। अगेन ये अभी एक साइडवेज आपको इंडिकेट कर रहा है, मगर बेरिश तो नहीं है बिल्कुल भी और ना इधर बुलिश है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसका 53 की वैल्यू पे है, इन मिडल ऑफ इट्स ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट से निकल के अपने मिडल में आ चुका है, फर्दर शायद प्राइस एडजस्टमेंट हो इसमें और ये वैल्यूज फर्दर अपने आपको एडजस्ट करके शायद आपको इसमें अपवर्ड डायरेक्शन मिले। फिलहाल इसकी आज की 3.87 की क्लोजिंग थी, हाईएस्ट वी हैव सीन इज 4.38 जी, 4.38 हमने अभी तक इसमें हाईएस्ट देखा है। मोर लाइक इट्स आल्सो स्पेकुलेटिव आइटम, बी केयरफुल। मैं आपके साथ इसके साथ 3 साल की हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो हमने 3 साल पहले इसका हाईएस्ट देखा, दैट वाज आल्सो 4.50, 4.5 रुपये ही हमने हाईएस्ट देखा बैक इन 2018।
ऑल टाइम मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री अगर शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसका 2014 में देखा अराउंड 24-25 रुपये। मेरे ख्याल इस लेवल पे ये जाता हुआ दोबारा दिखाई देता है, मगर अभी इसमें अगर कोई मूवमेंट आती है तो ये 4-5 रुपये ही होगा ऊपर, आई डोंट नो। मगर अगेन अगेन इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट होने की ज़रूरत है, वेट एंड वॉच। एज गैट 9 क्लियरली बुलिश इन इट्स बुलिश जोन, ऊपर जाता हुआ नजर आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 70 पे है। इसने पिछले दिन अपने हाई से बड़ी एडजस्टमेंट लेके अपने आरएसआई को 59 तक पहुंचाया था, मगर उसके बाद फिर इट स्टार्टेड गेनिंग। आज की इसकी क्लोजिंग इज एट 30.26, फर्दर नीचे आएगा आना चाहिए, फर्दर ये करेक्शन इंडिकेट कर रहा है अभी। ये दोनों स्टॉक हैस्टिक भी इसमें फर्दर करेक्शन इंडिकेट कर रहा है। एसगर्ड 9 के बाद जहांगीर सिद्दीकी इज साइडवेज। मैं आपको बताऊं इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 51 इन मिडल ऑफ अवर बॉट एंड अवर सोल्ड। अच्छा सॉरी, जहांगीर सिद्दीकी को अगर मैं आपसे कहूँ तो एक थोड़ा सा ये बुलिश इंडिकेशन भी आपको दे रहा है। आगे आपका ग्रीन क्लाउड भी फॉर्म है और आपकी लाइंस भी आउटसाइड है, मगर इट हैज इसके हैज टू परफॉर्म फर्दर। यहाँ पे स्टॉक हैस्टेक आपको इसमें करेक्शन और रेड सेशन बड़े क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, ये फर्दर गिरेगा मगर अपने ओवर सोल्ड के पास जाते हुए दिखाई देता है। आपको एक दो रेड सेशन के बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे होगा, जिसके बाद उसमें एंट्री टेक्निकली बन जाएगी और ये लगता है कि ये वापस अपना फिर बुलिश अपवर्ड आप इसमें अपवर्ड चेंज देखेंगे। आज की क्लोजिंग जहांगीर सिद्दीकी की 29.40, हाईएस्ट जो हमने देखा है इस साल में डेट इज 35.15। ये मैं आपको 1 ईयर ही दिखा रहा हूँ, 3 साल में भी इसका हाईएस्ट है। ऑल टाइम हिस्ट्री इसकी बड़ी डेंजरस है। आपने हमने इस किस्म की इसमें सिर्फ 2007-2008 में देखा था और ये 700-800 रुपये का शेयर था, एक्सट्रीमली बी केयरफुल, दिस इज स्पेकुलेटिव। मुझे नहीं पता कि फंडामेंटल्स JSCL के इस किस्म के हैं कि ये इस प्राइस पे हो। नेटसॉल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बहुत अच्छा शेयर है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज की क्लोजिंग इसने हमें 182.43 की दी है। इचिमोको इसका अभी भी क्लियरली बुलिश है, मगर हमने जो हम आपको पहले इंडिकेट कर रहे थे कि नेटसॉल और एवीएन ये वो शेयर हैं जो अपने एक्सट्रीमली ओवरबॉट पे पहुंच गए थे। इसका जो आरएसआई 95 पे था और उसने अब एडजस्टमेंट लेके 67 पे आ गया एक जेन में, एक तो ये जेन में रखिए। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट से निकल के आ रहा है, मगर फर्दर आपको रेड सेशन इसमें इंडिकेट कर रहा है। अगर इसमें करेक्शन हो तो बहुत अच्छी बात है और आपको हो जाए तो आपको एक एंट्री पॉइंट आपको मिल जाएगा। आने इसको फर्दर नीचे इंडिकेट हो रहा है, आना भी चाहिए ताकि ये अपने ओवर बॉट से निकल सके और फिर फर्दर ये अपवर्ड अपवर्ड चेंज वो कैरी कर सके, अपवर्ड ट्रेंड अपना कैरी कर सके। ये अपने 1 साल 1 ईयर के हाई पे है, 3 साल का मैं आपके साथ चार्ट आपके साथ शेयर करूँ तो 3 ईयर्स हाई पे भी है। ऑल टाइम हिस्ट्री में नेटसॉल की मेरे पास जो आ रही है वो उस पर भी अपने हाइस्ट वैल्यू पे ही है अभी तक। दिस इज द ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल में, जो मेरे पास 2005 से इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है, दिस इज द ऑल टाइम हाई फॉर नेटसॉल। सो अगेन एक्सट्रीमली बी केयरफुल, डिस्पाइट इट्स अ वेरी गुड शेयर, मतलब बनता नहीं है कि इसको इस प्राइस पे पता नहीं लेना भी चाहिए। इसके लिए मैं आपको फर्दर आपके साथ नेटसॉल की वो प्राइस टू अर्निंग आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। नेटसॉल की प्राइस पीई रेशियो सेक्टर की पीई रेशियो से ऊपर ही है इसके तमाम, तो वो डेट इज 27 टाइम्स। अगर आप देखिए तो इससे पहले हमने कैपको आपसे आपकी प्राइस टू अर्निंग डिस्कस की थी इसमें, तो वो उसकी 1.20 टाइम थी और ये इसकी पी रेशियो देखिए तो 29.1 टाइम्स है। वही है कि अपनी अर्निंग पर शेयर के ये 29 टाइम्स पे है कंपेयर टू वो स्टॉक जो सिर्फ 1.20 टाइम्स है। तो अगेन दिस इज काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि अवर बॉट है, मैं मगर कंपैरिजन नहीं बनता पावर जनरेशन और इसका। अपने सेक्टर की जो इसकी एवरेज पीई है 27 टाइम्स है, उससे भी ये थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा इसमें ट्रेड करते हुए लेते हुए। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज बाइको। बाइको इज बेरिश, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ टेक्निकली एज पर इचेमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 44 पे है, इन मिडल ऑफ इट्स ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड। जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवर सोल्ड एक्सट्रीम ओवर सोल्ड से निकल के काफ़ी इसने थोड़ा सा परफॉर्म तो किया है, मगर फिर भी मैं इसमें आपको आगे सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट कर रहा हूँ इसमें होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे ऊपर जाता हुआ इतना स्ट्रांगली हमें इंडिकेट हो रहा है बाय को। उसके बाद पीपीएल की बात करें,
Again, a very good one of the most fundamentally strong shares in Pakistan stock market. PPL is also benefit कर रही है ये कंपनी जो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन हो रही है उसमें ध्यान में रखिए, मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, इसका इंडिकेट कर चुका है मेची उमो को कि अर्ली एक ब्रेकआउट दिए अपवर्ड साइन, मगर वही बात है कि अपने ओवर बॉट पर पहुँच भी रहा था साथ साथ। आज इसकी आर एस आई वैल्यू जो है आज की करेक्शन के बाद जिसने 3.53% की ली है, उससे पहले इट वॉज पॉजिटिव जो ली है उस पर इसका आर एस आई हैड एडजस्टेड वो 61 की वैल्यू पे एडजस्ट हुआ है। मे बी स्टॉक हैस्टिक भी ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ तो और उसने भी फर्दर एडजस्टमेंट लिया है। मे बी आपको इसमें एक छोटा मोटा रेड सेशन या फ्लैट सेशन आपको और मिले, नो वरीज अबाउट इट। अगेन मैंने आपके साथ इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री का भी शेयर मैंने आपके साथ ग्राफ शेयर किया हुआ है पी पी एल का, वो अपने आप देखिए। तो दिस इज ये मैं आपके साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये अपनी हिस्ट्री के भी लोएस्ट लेवल्स पे है प्राइस हिस्ट्री। ये मेरे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री इज फ्रॉम 2005 मेरे ख्याल में जब से ये ट्रेड हो रहा है। तो वही इट्स बाउंड टू परफॉर्म, कब परफॉर्म करता है वी कैन नॉट सो। और ये वही शेयर है ओजीडीसी पीपीएल जिनकी परफॉर्मेंस पे हमारा केएससी 100 इंडेक्स अपने एक नए हाई लेवल्स पे, क्योंकि यही स्टॉक्स रह गए हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। मैं आपको इसमें कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा ऑब्वियसली, मगर दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मगर ये आप ले लीजिए, मगर दिस इज ऑब्वियसली अपने हिस्टोरिकली बहुत अच्छे लेवल्स पे है और कब परफॉर्म करता है नो वन कैन प्रिडिक्ट, मगर अभी इट सीम्स लाइक कि एक अर्ली इसने साइन दे दिया है मगर इस बुलिश साइन अपवर्ड ट्रेंड का, मगर उसके साथ इसको करेक्शंस की भी ज़रूरत है और वो हो भी नहीं है और वो इंडिकेट हो रही है। इसका फर्दर मेरे ख्याल में आर एस आई अगर 47 के पास आ जाए तो इट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट कि अपना फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड कैरी कर सके। एवीएन जस्ट लाइक नेटसोलॉजी इसने अपना आर एस आई एडजस्ट किया 55 तक और अब वहाँ से वापसी करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, 59 आ जा रहा है एस आई की वैल्यू। आपको मालूम है चीमो को मैं आपसे कई दफ़ा दिखा क्लियरली बुलिश है, इसने आज की क्लोजिंग 90.77 दी है, जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपवर्ड मूवमेंट आपको इंडिकेट कर रहा है, अपने ओवरसोल्ड के पास था काफ़ी आज और अब वो आपको अपवर्ड ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ से एवियन। पायोनियर सीमेंट इज ऑल्सो इन इट्स बुलिश जोन मगर इतना स्ट्रांगली नहीं है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट वैल्यू ऑफ 58 इन काइंड ऑफ मिडल, आप कह सकते हैं मिडल से थोड़ा ऊपर, और जो स्टॉक हैस्टिक है दैट इज ऑल्सो इन मिडल मगर अभी वो आपको अपवर्ड चेंज इंडिकेट कर रहा है स्टॉक हैस्टिक। इट सीम्स लाइक इट्स आपको अपवर्ड ट्रेंड और आपको अपवर्ड चार्ज इसमें मूवमेंट थोड़ी बहुत नजर आ जाए पायोनियर में। पायोनियर जहन में रखिए अपने साल के हाईएस्ट लेवल्स पे है इसकी भी प्राइस, आज की क्लोजिंग इसने 101 रुपए की दी है 101 की। मैं आपको इसका 3 साल का चार्ट दिखाऊं तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। मैं इसकी ऑल टाइम हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँ पायोनियर सीमेंट की, तो हाईएस्ट हमने इसमें शायद 161 देखा हुआ है, 160 एंड दैट वॉज इन द पीरियड ऑफ 2017 जब हमारा इंडेक्स ने 51,000 और 50,000 के लेवल टच किया था केसी 100 इंडेक्स ने। आई डोंट नो कि अभी वो केसी 100 इंडेक्स एक्सपेक्टेड है कि 2021 में शायद परफॉर्म करे इस लेवल तक, तो शायद ये उसमें परफॉर्म इस लेवल तक पहुंच जाए, मगर फिलहाल एक्सट्रीमली बी केयरफुल। ये तो जेन में रखिए कि अपने 3 साल और 1 साल की हाईएस्ट प्राइस पे है पायोनियर सीमेंट। आयशा स्टील को देख लीजिए, आयशा स्टील इज ऐसे हमें क्लोजिंग दी है 23.22 की। कई दफ़ा इसके मैं आपका टेक्निकल आपके साथ इसके डिस्कस कर सकूँ, ऊपर जाता हूँ हमें क्लियरली नज़र आ रहा है और हमने डिस्कस भी किया कि शायद ये 30 रुपये तक जा रहा हो, 29-30 तक मैक्सिमम। जो आर एस आई इसकी वैल्यू वो 72 पे आ जाए अपने ओवर बॉट के पास है, मगर इसके पास जो अपना ये जो 82 का इसने हमें रिसेंट हाई दिखाया है शायद उसी के पास इसको रेजिस्टेंस मिलती है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट पे है मगर अपने अपवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड चेंज और फर्दर इंडिकेट कर रहा है, आपको इसमें अपवर्ड चेंज मिलती भी है तो साथ ही आपको करेक्शन भी मिलेगी कल के सेशन के बाद मिल जाए अगर कल ग्रीन भी होता है, तो वही है कि ये एक स्टेयर्स की मूवमेंट में भी मूव कर रहा होगा क्योंकि काफ़ी गेन तो ये ऑलरेडी ले चुका है, आगे इसके पास इतना मार्जिन नहीं है गेन का जहाँ अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे 30 रुपीज़ तक जा भी रहा है तो पीछे आप देख लीजिए कि क्या मार्जिन है। तो दिस इज ये है, इस पर बी केयरफुल इन आयशा स्टील टू, वैसे एक अच्छा स्टॉक ही सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक जी। एन आर एस एल को देख लें, निमर रिजन्स लिमिटेड, एन आर एस एल आपको एक अर्ली साइन दे रहा है मगर इट्स नॉट क्लियरली टर्न्ड इनटू बुलिश एज पर एच एम ओ को, और उसके
आज उसने हमें एक थोड़ी सी करेक्शन भी दे दी, तो आई डोंट नहीं आज जी आज उसने हमें थोड़ी सी करेक्शन भी दे दी 2.04% की। इट क्लोज ऑन 9.59, 9 रुपये तकरीबन, 9 रुपये 60 पैसे पे आज क्लोज हुआ। जो हाईएस्ट हमने अभी साल में इसका रेट देखा है वो 11.20 है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 66-67 पे है। स्टोकेस्टिक भी अपने वॉबॉट पे, तो आप इसमें फर्दर करेक्शंस मेरे ख्याल में इसमें इंडिकेट हो रही हैं और होंगी भी। जिसका जो लोअर रेंज है इस टाइम प्राइस की वो 8.5 की है, मेरे ख्याल में वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है। मैं आपके साथ इसका 3 साल का अगर चार्ट शेयर करूँ तो हाईएस्ट जो हमने 3 साल में देखा डेट इज 13.97। ऑब्वियसली 12-13 पे इसकी कंफर्म रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट बहुत परफॉर्म भी करती है 46-47 थाउजेंड पे चली जाती है, और ये 2018 वही पीरियड बता रहा हूँ जब मार्केट ने 47 थाउजेंड टच किया था, इससे ऊपर मुझे ये कतई जाता हुआ नजर नहीं आता ये। मगर मेरे ख्याल में अभी जो शॉर्ट टर्म में फॉर नेक्स्ट सेशन इसमें थोड़ा सा आप रेड सेशन या फ्लैट सेशन इंडिकेट हो रहे हैं। एनएमएल की बात कीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक, बहुत अच्छा शेयर। अब ये यहाँ पे बुलिश भी हो गया चेंज, मैं आपको बताऊँ टेक्निकली इट्स बुलिश जोन। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 80 पे पहुंच गया अपने हाईएस्ट पे। आप इसमें करेक्शन देखेंगे शायद नेक्स्ट सेशन में, होनी भी चाहिए। आज 113 रुपये पे है मेरे ख्याल में, अगर बहुत आपने ग्रीन देख भी लिया तो शायद 120 से ऊपर निशात में बिल्कुल जाता हुआ नजर नहीं रहता। मैं आपको टारगेट प्राइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एक प्रिकॉशन दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल में इस पे अब करेक्शन बनती है, होनी चाहिए, ये अपने एक्सट्रीमली ओवर बॉट पे पहुंचा हुआ है। मैं आपको इसका 3 साल का आपके साथ चार्ट शेयर करूँ तो जो हाईएस्ट हमने देखा है डेट इज 172-173 रुपीज बैक इन 2018, सेम पीरियड जिसमें आपका इंडेक्स 46-47 थाउजेंड में था। अब इस पे एक फंडामेंटल रीजन भी है, निशात मिल को समझने की कोशिश कीजिए। निशात मिल इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एनसीपीएल, एनएमएल और एक और लल पीर मेरे ख्याल में। मियाँ ये तीनों मियाँ मंशा साहब की हैं, पावर प्लांट्स हैं, और ये तीनों सब्सिडरीज हैं निशात मिल्स की। इफ फॉरगिव मी अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो। और जहाँ तक मेरी इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि निशात मिल्स तीनों उन दोनों कंपनीज की जो सर्कुलर डेट्स हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, निशात मिल्स अल्टीमेटली उसमें बेनिफिशरी बनती बनती है। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसमें इसके पीछे फंडामेंटल रीजन भी है इसके स्टॉक को परफॉर्म करने में। दूसरा, अगर इसका शेयर 160-170 पे जाता भी है तो फिर भी उसको काफ़ी बैक बाय फंडामेंटल, इसको निशात मिल्स को फंडामेंटल इसको बैक करते हैं इसकी प्राइस को। मैं इस पर सरप्राइज नहीं हूँगा कि इसकी बुलिश ट्रेंड इसको 150 पे ले जाए, बहुत अच्छी बात होगी अगर ले जाता, मगर उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों अपने अवर बॉट पे हैं, आरएसआई और स्टॉकहैस्टिक। इसमें फर्दर करेक्शंस हों, ये दोनों एडजस्ट हों, तो फर्दर ये अपनी बुलिश ट्रेंड जरूर कैरी करे। और इट्स अ गुड स्टॉक। मैं आपसे एनएमएल की यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं। निशात मिल्स की अगर आप पीई रेशियो देखिए तो 11.28 टाइम्स की है निशात मिल्स की, और उसकी जो सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग है वो 24 टाइम्स की है, तो वो उसकी हाफ से भी कम है। अनदर हमारे पास एक अच्छा साइन है निशात मिल्स के लिए कि इसके पास एज पर इस प्राइस टू अर्निंग भी परफॉर्म करने का काफ़ी मार्जिन है। इट्स अ फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है। अगेन मैंने आपको प्राइस निशात मिल्स की यहाँ पे कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं देख रहा दे रहा जिस दिस इज जस्ट ये बेसिक बातें हैं हमारे लिए। इंटरलूप अपने बुलिश जोन में टेक्निकली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर वही बात है कि इसमें आप रेड सेशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ 65। स्टॉक हैस्टिक भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर इसमें फ्लैट सेशन होंगे या रेड सेशन होंगे ताकि ये दोनों वैल्यूज अपने आप को नीचे एडजस्ट कर सकें। जीजीएल की बात करें, जीजीएल एक अर्ली साइन हमें दे रहा है अपवर्ड मूवमेंट का, मगर जिसने जैसी इस किस्म का ब्रेकआउट दिया तो ये अपने एक्सट्रीमली अवर बॉट पे पहुंच गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज 70 पे आया है आज के रेड सेशन के बाद। स्टॉक हैस्टिक पे इसमें फर्दर आपको प्राइस एडजस्टमेंट और आपको प्रॉफिट सेलिंग इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, वो भी अपने अवर बॉट पे। ट्राइस्टार पॉलिएस्टर एक वीक आपको ब्रेकआउट साइन दे रहा है, अर्ली ब्रेकआउट साइन दे रहा है, इतना स्ट्रांग नहीं है बुलिश ट्रेंड। और अगर वो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी है एट द वैल्यू ऑफ 65। स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर एक और रेड सेशन इसमें इंडिकेट कर रहा है, तो अगर वो एक और आपको रेड सेशन मिलता है तो आपका जो जो इचिमोको है मे बी क्लियरली बुलिश हो भी ना पाए। ट्राइस्टार तो मे बी आपको इसमें भी फर्दर रेड सेशन मिलेंगे। एट
जी लास्ट जो हमारे पास है वो लॉट केमिकल को देख लीजिए। हम ये दिस इज लास्ट शेयर फॉर टुडे। आज की समय क्लोजिंग दी है 15.01 की। इसने इसने जो हमें इस साल हाई दिखाया है इसने वो है 16.25 का। अब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो वो उन लेवल से एट द वैल्यू ऑफ 78 से वापस आके इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया एट द वैल्यू ऑफ 56। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी अपने मिडिल में पहुंच गया और स्टॉक हैस्टेक देखिए तो बड़ी आइडियल पोजीशन पर पहुंच गया। मे बी इट्स इंडिकेटिंग क्या फर्दर आज की अपवर्ड मूवमेंट हो सकती है। अगर आप स्टॉक हैस्टेक यहाँ पे देखिए तो इट्स ऑन इट्स ओवरसोल्ड लेवल एंड इट्स ब्लू लाइन कट भी करी है रेड लाइन को फ्रॉम डाउनवर्ड्स अबव। तो ये शायद इट्स इंडिकेटिंग कि आपके पास आगे अब रेड ग्रीन सेशन होंगे। जिसने हमें मेरे ख्याल में ये अपने साल के हाई पे ही है 12 मंथ्स के। मैं आपका लॉट केमिकल का 3 ईयर्स का आपके साथ चार्ट शेयर कर लूँ तो हमने जो उसका हाइस्ट देखा है डैट वॉज 20 रुपीज एंड दैट वॉज इन नवम्बर 2018। जी हाँ डैट इज 20.5 और समथिंग दैट वॉज द हाइस्ट। मेरे ख्याल में अगर इसने अपनी प्राइस को एडजस्ट कर लिया तो आप इसमें शायद मैक्सिमम यही 18 रुपये तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इसमें आप अप्रिसिएशन 17, 18, 16 देख सकते हैं। मैं इसके साथ ऑल टाइम आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा तो मेरे पास जो ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आ रही है उसमें भी जो हाईएस्ट है मेरे पास वो 20 रुपीज़ ही है और दैट वाज इन 2018। जी 20 रुपीज़ का मेरे पास हाईएस्ट है। तो ये है भी इस टाइम अगर आप देखिए तो ऑल टाइम जो हमारे पास 2005 से इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है ये अपने हायर साइड पर ही है। अभी अगर मार्केट बुलिश है तो इट सीम्स लाइक ये अपना फर्दर अपवर्ड ट्रेंड कैरी करेगा। स्टॉक हैस्टिक एक अच्छी पोजीशन पे है, आरएसआई भी एक अच्छी पोजीशन पे, तो सीम्स लाइक आपको अगले सेशन शायद इसके एक अच्छे ग्रीन मिल जाए। एट द एंड जी डिस्क्लेमर, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन प्लीज। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट गिविंग यू एनी टारगेट प्राइसेस, देयर इज नो एंट्री एग्जिट पॉइंट। मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया एक बेसिक एनालिसिस, आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है और ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकें, आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इन वीडियोस का सिर्फ ये मकसद है। काइंडली ख्याल रखिए। आई होप यू मेक मोर मनी। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।